लाखों एंटरप्रेन्योर्स का एक ही सवाल है मुझसे कि सर हमें ऐसा बिजनेस बता दो जिसमें हमारी कोई खास इन्वेस्टमेंट ना हो, ऐसा बिजनेस बता दो जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई खास कॉस्ट ना हो, ऐसा बिजनेस बता दो जो मैं घर से कर सकूं, ऐसा बिजनेस बता दो जो मैं लाखों लोगों के साथ कर सकूं, मतलब मैं लाखों करोड़ों कमा सकूं, ऐसा बिजनेस बता दो जिसमें मेरी रीच की कोई लिमिट ना हो, सर ऐसा बिजनेस बता दो जो मैं डिजिटली करूं, एक जगह बैठ के करूं, लैपटॉप खोल के करूं, मोबाइल का इस्तेमाल करूं, मेरा गेम बन जाए। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं, लाखों बिजनेस हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कोई टॉप 7 बिजनेस अगर मैं आपसे शेयर करूं तो वो टॉप 7 बिजनेस आज अभी इसी वक्त मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ट्रस्ट मी, ये टॉप 7 बिजनेस में से आप अगर आपने एक भी बिजनेस पकड़ लिया तो आप एक बहुत बड़ा गेम प्लान खेल जाएंगे, आप बहुत बड़ी गेम खेल जाएंगे, आपको टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा, आपको लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करके छोटा मोटा बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप फ्री में बिजनेस करो और बड़े से बड़ा बिजनेस करो, ऑनलाइन करो, कमर्शियल तरीके से करो, प्रोफेशनल तरीके से करो, एक्सपेंशन करके करो। ट्रस्ट मी, ये 7 टॉपिक्स, ये 7 बिजनेस आपके जीवन को चेंज कर देंगे। आपने कोई भी एक पकड़ लिया तो भी ठीक, 2 कॉम्बो में पकड़ लिए तो भी ठीक, 7ों के 7ों पकड़ लिए तो मतलब फिर तो धमाका कर दिया, लेकिन अगर आपको 7ों भी पकड़ने हैं तो आपको एक एक करके पकड़ने पड़ेंगे। आज मैं आपके साथ ये 7 बिजनेस डिस्कस करता हूं। दिस इज निखिल गंभीर, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड 25x बिजनेस कोच। हियर वी गो फॉर द वीडियो, लेट्स गो। नंबर 1, डिजिटल मार्केटिंग। ये आज के दौर में, आज के एरा में बेस्ट तरीका है बिजनेस को ग्रो करने का। दूसरों के बिजनेसेस को ग्रो करते हो आपका बिजनेस अपने आप ग्रो हो जाता है। ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। इसमें आप किसी भी एक स्टार्टअप को, बिजनेस को हेल्प कर सकते हो डिजिटली अपनी एग्जिस्टेंस शो करने में, डिजिटली एक्सपैंड करने में, डिजिटली कस्टमर्स को एक्वायर करने में और डिजिटली पैसा कमाने में, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी अर्निंग हो जाती है, राइट? आपको अपनी एक फ्रीलांसिंग फर्म खोलनी चाहिए या एक कंपनी खोलनी चाहिए या एज ए इंडिविजुअल भी आप काम कर सकते हो एज ए डिजिटल मार्केटर। आज डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। ये आपको बहुत तेज़ी से ग्रो करने में हेल्प कर सकती है और दूसरे बिजनेसेस को भी आप तेजी से ग्रो करने में हेल्प करते हो, तो ये विन विन सिचुएशन है जहाँ आप भी जीत रहे हो और वो भी जीत रहे हैं। तो एकलौता ऐसा बिजनेस है जो आपके हाथ को तेजी से भगाता है 25 गुना स्पीड से। दूसरा बिजनेस, सेलिंग ऑन प्लेटफॉर्म्स। आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते हो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, और एक मार्जिन रख के बेच सकते हो और उस पर प्रॉफिट कमा सकते हो। ये कैसे करते हैं? आप जिस भी जगह पे रहते हो वहाँ पर आसपास किसी भी एरिया से कोई भी फेमस चीज़ मिलती है, कोई भी कपड़ा है, टी शर्ट है, कैप है, जींस है, कुछ भी चीज़ है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, अपना एक मार्जिन रख के इसको अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं। आपको इसके लिए एक पिक्चर क्लिक करनी पड़ती है, एक अच्छी पिक्चर, और उसको उस पर अपलोड करना पड़ता है। सेलिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने नहीं है, अमेजोन आपके प्रोडक्ट्स को अपने आप प्रमोट करता है। हाँ, उसके अंदर कुछ प्रमोशनल गेम्स भी होती हैं जिसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगा के अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर उस प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करके ज़्यादा तेज़ी से सेल कर सकते हैं। ऐसा करने में पता है क्या होता है, आपको जब भी आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल करेंगे आपको डिलीवरीज नहीं करनी है, उनके डिलीवरी पार्टनर्स भी अपने खुद के हैं, मतलब सेलिंग अपनी, शोकेस उनका अपना, शोरूम अपना और टीम अपनी जो डिलीवरी करेगी। आपको सिर्फ एक काम करना है, प्रोडक्ट लाया, फोटो खींची, अपलोड किया और सेल किया, दैट्स इट। इस तरीके से आप एक अच्छा मार्जिन हर एक प्रोडक्ट के ऊपर रख के बीच में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तीसरा ऑनलाइन पैसा कमाने का तरीका है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में कोई खास इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल नहीं होती है, इसमें आपकी क्रिएटिव थिंकिंग इस्तेमाल होती है कि किस तरीके से, किस फॉर्मेट में आप सोचते हैं, किस तरीके से किसी भी ब्लॉग को लिखते हैं। यू नो, जैसे बुक लिखने वाले को ऑथर कहते हैं वैसे ही ब्लॉग लिखने वाले को ब्लॉगर्स कहते हैं। किसी भी टॉपिक के ऊपर, जो भी आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक हो उसके ऊपर आप ब्लॉग लिख सकते हैं। जब आप ब्लॉग लिखेंगे उसके ऊपर आके लोग पढ़ेंगे, एक दूसरे को रिकमेंड करेंगे, रेफरल करेंगे, रेफरेंस आएंगी, और ज़्यादा लोग उस पर आएंगे तो ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। जब भी आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आता है तो बड़ी ब्रांड्स आपके ब्लॉग के ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट चलाती हैं, और जो एडवर्टाइजमेंट आपके ब्लॉग के ऊपर चलती है लोग जाके उस पर क्लिक करते हैं, उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से एक लैंडिंग पेज पे जाके लैंड हो जाते हैं। you know, उस एडवर्टाइजमेंट पे जो क्लिक किया लोगों ने आपके ब्लॉग पे आके, तो उसकी वजह से आपको पैसा मिलता है। दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सरशिप, ब्रांड स्पॉन्सरशिप। आपको हर ब्लॉग के अंदर जो भी एडवर्टाइजमेंट दिख रही है, जो किसी ब्रांड ने आपके ब्लॉग पे चलाई है, और जब ट्रैफिक आके उस पर क्लिक कर रहा है, हर एक क्लिक के ऊपर आपको पैसा मिल रहा है। तो ब्लॉग, ये ब्लॉगिंग करना, ब्लॉग लिखना एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है जिसमें आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिसिस पावर और राइटिंग पावर इस्तेमाल होगी, एंड यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी। फोर्थ, पैसा कमाने का सबसे जबरदस्त, सबसे बड़ा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। मैं पहले आपको एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब समझा देता हूं। जब भी आपको एक बिजनेस शुरू करके
उसको प्रोडक्ट को सेल करना हो उस बिज़नेस के, तो आपको उस पर प्रॉफिट मिलते हैं, लेकिन उस बिज़नेस को शुरू करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। आपको प्रॉफिट भी कमाना है लेकिन वो बिज़नेस शुरू करने के लिए पैसा भी नहीं लगाना, तो आपको क्या करना है, किसी भी ऐसे पर्सन का हाथ पकड़ना है जिसके पास ऑलरेडी वो बिज़नेस है, उसके साथ ऑनलाइन हाथ मिला के डिजिटली उसके प्रोडक्ट्स को सेल करना है, उसके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। जब भी वो प्रोडक्ट बिकेगा, वो पर्सन जिसका प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो उसके प्रमोशन की वजह से जो सेल्स हुई है उस पर आपको कमीशन मिलती है। ऐसा करने से, इसे एफिलिएट मार्केटर कहते हैं, ऐसा करने से क्या होता है कि आपको जब भी कोई बड़ा बिजनेस करना है पैसा नहीं लगाना, सिर्फ किसी के साथ डिजिटली हाथ मिलाना है, उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, आप उस पर पैसा कमाएंगे। चाहे वो प्रोडक्ट फिजिकल हो, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो, चाहे वो किसी के डिजिटल कोर्सेज हो, आपको एफिलिएट मार्केटिंग तेजी से आगे बढ़ा सकता है। आपको ना तो कोई कोर्सेज बनाने हैं, ना कोई प्रोडक्ट बनाना है, ना किसी कंपनी का मालिक बनना है, बस किसी के साथ हाथ मिलाना है, उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, उस प्रमोशन पे जो सेल्स होगी उस पर कमीशन लेनी है, इमीडिएट पैसा बनाना है, तेज पैसा बनाना है, सुपरसोनिक स्पीड से बनाना है, 25 स्पीड से बनाना है, तो ये बेस्ट तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। इमीडिएट पैसा देता है, आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट इतनी, आपकी अर्निंग, आपकी आने की सीमा कोई हद नहीं, कहां तक कमा सकते हैं कोई लिमिट नहीं। पांचवा पॉइंट, राइटिंग ई बुक्स। आप ई बुक्स लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, डिजिटल बुक्स। इसका मतलब क्या है, सपोज आप कोई बुक लिखते हैं, उसको अगर सेल्फ पब्लिश भी करते हैं और जब उसको बेचते हैं तो आपको बहुत सारी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, उस बुक्स को प्रिंट करवाने की, उसका कवर प्रिंट करवाने की, उस बुक को डिस्ट्रीब्यूट करने की, उसको सेल्स करने की, बहुत सारा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। लेकिन डिजिटल बुक्स में क्या है, आपको उसको सेल करने के लिए क्या कोई स्टॉक मेंटेन करनी है, कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करनी, लिमिटलेस ई बुक्स आपके पास हैं, लाखों लोग उसको खरीद सकते हैं। क्या आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या पहुंचाने के लिए, डिलीवरी करने के लिए क्या किसी डिलीवरी चैनल का इस्तेमाल करना है, कुछ नहीं, ऑनलाइन ईमेल पर, व्हाट्सएप पर कैसे भी वो बुक एक्सेस दिया जा सकता है, उस बुक को भेजा जा सकता है। ई बुक पैसा कमाने का जबरदस्त जरिया है। अगर आपको एक बुक ई बुक के ऊपर 10 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है और आपने 100 बेची तो 1000 का प्रॉफिट हो गया, 1000 बेची तो 10000 का, और आपने 10000 बेची तो 1 लाख का, और 1 लाख ई बुक्स बेची तो आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। और 1 लाख ई बुक्स को बेचना, उसको छपवाना, उस बुक को डिस्ट्रीब्यूट करना, इसमें आपकी कॉस्ट एकदम जीरो है। मतलब आपकी जब कॉस्ट जीरो होती है और सारा का सारा मार्जिन होता है तो आप टोटल प्रॉफिटेबिलिटी में जी रहे होते हो, आप कंप्लीट प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हो। ई बुक्स इज द बेस्ट बिजनेस फॉर टुडे। छठा पॉइंट, डेवलपिंग एप्स, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट। अगर आप इस चीज़ में माहिर हैं, आपको वेबसाइट बनानी आती है, कोडिंग करनी आती है, या वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना लेते हैं, एप्लीकेशन बनानी आती है, सॉफ्टवेयर बनाना आता है, अगर आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं या मान लो ये सीख रहे हैं, एक्सपर्ट बनने वाले हैं, तो आपके लिए ज़बरदस्त बिजनेस हो सकता है, क्योंकि आप इसको इंडिया के किसी भी कोने से कर सकते हैं, वर्ल्ड के किसी भी कोने से कर सकते हैं, इसको रिमोट लोकेशन से कर सकते हैं, पूरी दुनिया आपको आपके काम के लिए पैसा दे सकती है, पूरी दुनिया के किसी भी कोने से आपको काम दिया जा सकता है। आप अगर एक दुकान खोलते हैं गली के अंदर तो आपको लिमिटेड कस्टमर ही मिलते हैं, लेकिन इस काम को खोलने के बाद आपको वर्ल्ड के हर कोने से कस्टमर मिलेंगे, हर कोने से पैसा मिलेगा। और ये एक ऐसा काम है जिसकी स्पीड दुगनी, 4 गुणी 10 गुणा 20 गुणा जितनी मर्जी की जा सकती है, क्योंकि जितने मर्जी लोग इसमें हायर कर सकते हो, रिमोट लोकेशन से बैठ के कर सकते हो, कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आपकी आने नहीं वाली है, सारा काम डिजिटल है तो कॉस्ट कम है, क्रिएटिविटी ज़्यादा है। तो इसमें अगर तेजी से पैसा कमाना है तो आपके लिए बेस्ट बिजनेस हो सकता है। अगर आप ये सीख चुके हैं, सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं, या आपके विजन में, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बिजनेस है, तो मैं कह रहा हूं आपके लिए बेस्ट बिजनेस होने वाला है। सातवां पॉइंट है योर ओन यूट्यूब चैनल। आप अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं, इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आज चैनल क्रिएट करना बिल्कुल फ्री है। आप क्या जानते हैं, आप टीचिंग जानते हैं, ट्रेनिंग जानते हैं, कोचिंग जानते हैं, कॉमेडी करना जानते हैं, आप वाइंस बनाना जानते हैं, आप कुकिंग करना जानते हैं, आप क्या जानते हैं, क्या आपको बेकिंग आती है, क्या आपको किसी भी तरह के हैक्स आते हैं, क्या कोई भी गेम प्लान आते हैं, कुछ भी अगर आप किसी को सिखा सकते हैं, यूट्यूब चैनल आपके लिए। यहाँ पर बहुत तरीके से कमाई होती है, आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, किसी भी ब्रांड के प्रमोशन के लिए अपनी वीडियो के अंदर उसके बारे में बात कर सकते हो, इसे कहते हैं ब्रांड स्पॉन्सरशिप, आपको पैसा मिलता है। YouTube पे आपको मोनेटाइजेशन का पैसा मिलता है, जो आपकी वीडियो के पहले, चलने से पहले वो जो वीडियोस चलती हैं, दैट इज एड्स वीडियो, वो एड वीडियो का आपको पैसा मिलता है। उसके अलावा आप किसी भी एफिलिएट लिंक को अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करते हैं, वहां पर पेस्ट करने के बाद जो भी लोग उस लिंक पे जाकर पेमेंट करते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, वहां से आपको एफिलिएट इनकम आती है। कितनी सारी इनकम है, ब्रांड स्पॉन्सरशिप है, मोनेटाइजेशन है, एफिलिएट इनकम है, इसके अलावा लोग आपको स्कूल में बुला रहे हैं, कॉलेजेस में बुला रहे हैं, इवेंट्स में बुला रहे हैं, सेमिनार्स में बुला रहे हैं, वहां से आपको अलग तरीके के पैसे मिलते हैं, अलग तरह की आपके चार्जेबल अकाउंटेबिलिटी, कमर्शियल फी जो भी आपको मिलते हैं वहां पर, मतलब हर तरह के यहां पे गेम प्लान आप सीख सकते हो। इसका मतलब आप कोई बिजनेस भी शुरू करोगे ना तो लोग आपको जानते हैं, आपका बिजनेस चल पड़ेगा, ओवरनाइट चल पड़ेगा। गेम प्लान सिर्फ इतना है कि यूट्यूब चैनल आपको वहां ले जा सकता है जहां से आप मैन्युअली चाहकर भी
पहुंच नहीं सकते। तो ये जो 7 आइडियाज मैंने आपको दिए हैं, इनमें से अगर कोई भी आइडिया आपको सूटेबल लगा है तो आपको इस्तेमाल करना है और आपको अपनी जिंदगी को चेंज करना है, लेकिन आपको और सीखने हैं। और तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 70,000 प्लस बिजनेस आइडियाज हैं जो हमने अपने स्टॉक में मेंटेन करके रखे हैं। हमारे पास देने के लिए आपको बहुत कुछ है, बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे रोड मैप्स हैं, आर्किटेक्चर है, गेम प्लान है, स्ट्रेटजीज है, प्लान्स हैं। आप उनमें से कोई भी एक आइडिया उठा के अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। हम इन नंबर ऑफ थाउजेंड ऑफ आइडियाज आपको देंगे। कोई भी एक आइडिया आपकी लाइफ को बदल सकता है। आपको सिर्फ इस नंबर को डायल करना है, ये नंबर आपकी जो स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर को डायल करो, हमारी फ्री कंसल्टेंसी कॉल लो और हमसे पूछो कि कौन कौन से आइडियाज हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, कैसे हम आपकी जिंदगी को रियल लाइफ में चेंज कर सकते हैं, रियल लाइफ में आपकी जिंदगी में रंग भर सकते हैं। राइट नाउ इस नंबर को डायल करें। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। टिल देन ग्रो 25x।